नमस्कार साथियों, आई वेलकम ऑल ऑफ यू एट हल्दर क्लासेस उदयपुर ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी एंड टुडे इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक आई ब्रॉट फॉर यू, दैट इज इंसेक्ट माउथ पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी का डिस्कशन कर रहे हैं और इंसेक्ट के माउथ पार्ट्स को आज हम पढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो आपको अच्छे से इसको समझना है। ठीक है, यहाँ देखिए इंसेक्ट माउथ पार्ट्स। सो माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट वेराई टू अ ग्रेट एक्सटेंट अमोंग इंसेक्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन देयर फीडिंग हैबिट्स। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड यू हैव नोटिस दैट मेनी इंसेक्ट हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ माउथ पार्ट लाइक पियर्सिंग, सकिंग, बाइटिंग एंड चेविंग, लेपिंग। ओके, तो इस टाइप से ये क्या होगा, माउथ पार्ट जो है इंसेक्ट के अंदर जो है बहुत ज्यादा इनके अंदर वेरिएशन आएगा। एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी। सो देयर ऑल्सो वी फाउंड दैट द अर्लियर जो साइंटिस्ट थे दे हैव क्लासिफाइड द इंसेक्ट ऑर्डर बेस्ड ऑन द माउथ पार्ट्स। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, माउथ पार्ट जो होगा बहुत जो है इनके अंदर वेरिएशन होगा अमोंग द इंसेक्ट डिपेंडिंग अपॉन देयर फीडिंग हैबिट्स। अलग अलग ये फीडिंग हैबिट्स इनकी होगी। ठीक है, दीज आर द ऑर्गन ऑफ प्राइमरी कंसर्न विद द अपटेक ऑफ फूड। ओके, वाई द माउथ पार्ट्स? सो माउथ पार्ट्स इज यूज्ड मेनली फॉर द अपटेक ऑफ फूड, मतलब खाने के लिए जो है ये यूज किए जाते हैं इंसेक्ट के अंदर और बहुत इंपॉर्टेंट ये है। और देखिए माउथ पार्ट्स, सो दैट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट जो कि हम आगे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको अच्छे से समझना है, बिल्कुल अटेंटिव होके यहाँ पे पढ़ना है। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। ओके, सो वाट काइंड ऑफ द माउथ पार्ट्स बेस्ड ऑन द फीडिंग हैबिट। सो फीडिंग मेनली ऑन द सॉलिड फूड। ओके, सॉलिड फूड के ऊपर जो इंसेक्ट फीड करते हैं द माउथ पार्ट इज नोन एज द मैंडी बुलेट। उनके जो माउथ पार्ट्स को हम बोलते हैं मैंडी बुलेट। एंड द इंसेक्ट फीडिंग मेनली ऑन द लिक्विड फूड, सो द दोज माउथ पार्ट्स इज नोन एज द हेस्टीलेट। ओके, और हेस्टीलेट इसको हम क्या बोलते हैं, हेस्टीलेट बोलते हैं। ये जो होगा सकिंग टाइप ऑफ इंसेक्ट होंगे यहाँ पे, और लिक्विड फूड को ये क्या करते हैं जो है डायरेक्ट खाते हैं, मीन्स सॉलिड पार्ट को ये नहीं खाते हैं, ये लिक्विड पार्ट को डायरेक्ट क्या करते हैं खाते हैं। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, तो ये आपको यहाँ पे समझना बहुत जरूरी होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये जो है देखिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं इंसेक्ट माउथ पार्ट्स के डिफरेंट टाइप्स। ओके, एंड देयर एग्जांपल। सो द फर्स्ट वन इज द बाइटिंग एंड चेविंग टाइप। बाइटिंग एंड चेविंग टाइप जो होगा ग्रॉस ऑपर एंड कॉकरोचेस एंड मेनी अदर इंसेक्ट के अंदर वो प्रेजेंट होगा, जो कि अब हम आगे अभी देखेंगे। ठीक है, सकिंग टाइप का, सकिंग टाइप जो होंगे हेस्टुलेट होंगे, और जो चेविंग टाइप के ये कैसे होंगे, मेंडी बुलेट। ओके, मेंडी बुलेट, तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से, बिकॉज दे फीड ऑन द सॉलिड पार्ट, सॉलिड पार्ट के ऊपर ये फीड करते हैं। हेस्टुलेट होगा, सकिंग टाइप के होंगे। देखिए ये नंबर फर्स्ट पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप प्लांट बग्स एज वेल एज द मॉस्किटो। सेकेंड वन द रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप इन थ्रिप्स। थर्ड वन इज द स्पॉन्जिंग टाइप इन अडल्ट हाउस फ्लाई। एंड चेविंग एंड लेपिंग टाइप इन हनी बीज। एंड साइफनिंग टाइप इन बटरफ्लाइज एंड मोथ एंड सम काइंड ऑफ अदर टाइप। ओके, दिस इज द अदर टाइप लाइक मास्क टाइप। मास्क टाइप इज इन नायट्स ऑफ ड्रैगन फ्लाई। एंड डीजनरेटेड टाइप मीन्स मेगट्स ऑफ डिप्टेरा। तो देखिए अलग अलग टाइप के जो क्या है माउथ पार्ट से यहाँ पे, जैसा कि हमने देखा है बाइटिंग एंड चेविंग काटने व चबाने वाले जो होंगे ग्रास ऑपर और कॉकरोचेस के अंदर होंगे, सकिंग टाइप के होंगे। ये कैसे होंगे सकिंग टाइप के, मतलब ये क्या करेंगे प्लांट की स्किन को पेनिट्रेट करके फिर वहां से क्या करेंगे ये सक एक्शन इनका होगा। तो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के होंगे भेदने व चूसने वाले मुखांग, जो कि बग्स होगा हेटरोप्टेरा, होमोप्टेरा और मॉस्किटो के अंदर ये रहेगा। रेस्पिंग एंड सकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रिप्स के अंदर होगा। असिमेट्रिकल टाइप ऑफ माउथ पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्जिंग टाइप का स्पंज लुक इनका होगा, अडल्ट हाउस फ्लाई के अंदर है ये। चेविंग एंड लेपिंग टाइप जो होगा देखिए ये होगा हनी बीज के अंदर, जो कि नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स को जो फीड करती हैं, तो ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। साइफनिंग टाइप जो होंगे बटरफ्लाई एंड मोथ के अंदर होगा इनका। स्प्रिंग नुमा जो होगा यहाँ पे इनका प्रोबोसिस होगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। मास्क टाइप जो होगा कुछ अदर टाइप काइंड ऑफ माउथ पार्ट जो होंगे नायड्स। नायड जो होगा पानी एक्वेटिक इमेच्योर ऑफ द ओडोनाटा, मीन्स ड्रैगन फ्लाई का जो एक्वेटिक इमेच्योर होता है उसको हम नायड बोलते हैं, उसके अंदर ये होगा। एज वेल एज डी जनरेटेड टाइप, डी जनरेट मतलब बहुत ज्यादा ये रिड्यूस्ड हो जाएंगे इस टाइप से, दैट इज प्रेजेंट इन द मेगट ऑफ डिप्टेरा, मतलब जो हाउस फ्लाई का जो लार्वा होगा उसको हम मेगट बोलेंगे और उसके अंदर जो ये प्रेजेंट होंगे। ये सारे हम इन डिटेल्स हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे।
देखिए इंसेक्ट माउथ पार्ट, द फर्स्ट माउथ पार्ट इज द बाइटिंग एंड चेविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, वेरी मच इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, बहुत अच्छे से आपको इसको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, दिस टाइप इज कंसिडर्ड एज अ प्राइमेटिव टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स बिकॉज वेरी ओल्ड और एंसेस्टर जो इंसेक्ट थे उनके अंदर ये पाए गए, वेरी ओल्ड टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स एंड फाउंड इन इवन आर्थोप्टेरा, आइसोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, न्यूरोप्टेरा लार्वी एज वेल एज द ग्रब एंड इवन द एप्टेरिगोट्स इंसेक्ट, विंगलेस इंसेक्ट, तो यानी एंड मेनी अदर इंसेक्ट दैट फीड ऑन द सॉलिड पार्ट्स, ओके। सॉलिड फूड को जो फीड करेंगे उसके अंदर जो यहाँ पे बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के माउथ पार्ट्स होंगे, बहुत पुराने प्रकार के प्राइमेटिव टाइप के माउथ पार्ट्स है, वेरी मच इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए ये, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है इनका स्ट्रक्चर एज वेल एज इनके एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, ओके। सो डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पे इनके पास होंगे, डिफरेंट दे हैव द डिफरेंट पार्ट्स, सो ये यहाँ हम डिस्कस करेंगे, वेरी मच इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे द फर्स्ट पार्ट इज द लेब्रम, लेब्रम इज ऑल्सो नोन एज द अपर लिप, वेरी इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट पार्ट इज द लेब्रम एंड नोन एज द अपर लिप, जो पहला पार्ट होगा वो क्या होगा, लेब्रम होगा और उसको हम अपर लिप यहाँ पे बोलेंगे। इट इज स्मॉल स्क्लेराइड दैट फॉर्म द अपर लिप ऑफ द माउथ कैविटी, सो दिस इज द स्मॉल स्क्लेराइड होगा और अपर लिप ये क्या करेगा, बनाता है माउथ कैविटी का, इसीलिए लेब्रम को हम क्या बोलते हैं, इज ऑल्सो नोन एज द अपर लिप, यानी ऊपरी होठ जो होता है, इस टाइप से आप कर सकते हैं याद इसको, जो हमारा जो होठ है अपर लिप दैट इज नोन एज द लेब्रम इन इंसेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। इट इज फ्लेफ लाइक, ओके, बाइलोब्ड एंड अटैच टू द क्लाइपियस बाय एन आर्टिकुलेटरी मेम्ब्रेन, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लाइपियस जो होगा उसके नीचे ये होता है, क्लाइपियस से जुड़ा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको मैं अभी फोटोग्राफ्स वगैरह सब बताऊंगा, आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। ऑन इट्स इनर सर्फेस लेब्रम कंसिस्ट ऑफ लोब लाइक स्ट्रक्चर एंड देट इज नोन एज द लेब्रम इपीफेरिंग्स, इसके जो इनर सर्फेस होगी वहाँ पे कुछ लोब होंगे जिनको हम लेब्रम इपीफेरिंग्स बोलेंगे। एंड व्हाट इज द लेब्रम इपीफेरिंग्स, इट इज द इनर सर्फेस ऑफ द लेब्रम इज रिफर्स एज ए इपीफेरिंग्स एंड इट इज यूज एज ए मेम्ब्रेनस एंड कंटिन्यूस विद डोर्सल वाल ऑफ फेरिंग्स एंड इट इज द ऑर्गन ऑफ टेस्ट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सो लेब्रम इपीफेरिंग्स जो है ऑर्गन ऑफ क्या है, टेस्ट, यानी ये स्वाद का जो है एक ऑर्गन है, ये स्वाद को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, इसलिए जो ये यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेब्रम हैंग्स डाउन फ्रॉम द क्लाइपियस थ्रू द क्लाइपियोलेब्रल सूचर, सो सूचर एज वेल एज द स्क्लेराइट्स ऑफ हेड ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं आवर प्रीवियस लेक्चर, तो आपको बिल्कुल यहाँ पे पता होगा कि इसका मतलब क्या होगा। तो क्लाइपियस के पास जो क्लाइपियस के नीचे जब लेब्रम होगा वहाँ की एक सूचर होगी उससे ये जुड़ा होता है, ठीक है। एंड इट इज मूवेबल, लेब्रम इज मूवेबल एज वेल एज हेल्प टू पुल द फूड इन टू द माउथ, ये जो है खाने को जो होगा फूड पार्टिकल्स को ये क्या करेगा, इस टाइप से पुल करने का काम करेगा, माउथ तक ये उसको लेके आएगा। इट होल्ड द फूड इन पोजिशन सो दैट द मेंडिबल कैन एक्ट ऑन, मेंडिबल द अदर पार्ट ऑफ दिस माउथ पार्ट्स, तो वो क्या करेंगे, मेंडिबल उसको खा सकेंगे, तो ये उसको होल्ड करने का काम यहाँ पे करेगा। इट फॉर्म द रूफ ऑफ द प्री ओरल कैविटी, ये जो प्री ओरल कैविटी होगा उसका रूफ ये बनाता है, उसकी छत ये बनाता है, उसके नीचे जो होगा यहाँ पे प्री ओरल कैविटी होगा, तो वेरी मच इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे द अदर पार्ट इज द मेंडिबल, सो हियर सी हियर अ पेयर ऑफ द मेंडिबल इज प्रेजेंट, ओके, वन पेयर मेंडिबल इज प्रेजेंट इन वन पेयर एंड दे आर द फर्स्ट पेयर ऑफ जा, ओके, फर्स्ट पेयर ऑफ जा, जा का मतलब यहाँ पे जबड़े होगा, ठीक है। इस टाइप से इंसेक्ट के पास जो माउथ पार्ट्स होंगे उनके अंदर जो जा होंगे तो ये फर्स्ट पेयर ऑफ जा होगा एज एंड ऑल्सो नोन एज द प्राइमरी जा और ट्रू जा, ठीक है। प्राइमरी जो होंगे ये जबड़े होंगे, मीन्स दे आर द मेनली जा ऑफ द इंसेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी जा है और इनको ट्रू जा हम बोलेंगे। दे आर अनसेगमेंटेड, देखिए अनसेगमेंटेड होते हैं, स्ट्रोंगेस्ट, वेरी मच स्ट्रोंगेस्ट एंड हेविली स्क्लेरोटाइज्ड, वेरी मच इंपॉर्टेंट है। देखिए इन इंसेक्ट बॉडी द ओनली द हाइएस्ट और स्ट्रोंगेस्ट स्क्लेरोटाइज्ड पार्ट इज द मेंडिबल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो मेंडिबल होगा हाईली स्क्लेरोटाइज्ड होगा, हाईली हार्ड स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि ये जो होंगे हमारे टीथ लाइक, हमारा जो दांत होते हैं कितने हार्ड होते हैं, इसी टाइप से ये मेंडिबल जो है इंसेक्ट के अंदर ये एक्ट एज ए टीथ, सो ये भी यहाँ पे क्या होंगे, बहुत ज़्यादा ये मजबूत और हार्ड स्ट्रक्चर इनका होगा। दे आर टूथ ऑन देयर इनर बॉर्डर एंड दे आर अटैच टू द हेड कैप्सूल बाय मीन्स ऑफ टू जॉइंट्स नोन एज द गिंग
ग्लाइमस एज वेल एज कोंडाइल, तो ये जो होगा टू जॉइंट से जुड़ा होगा हेड पे इस टाइप से, ठीक है, और इनको हम बोलेंगे यहाँ पे जो गिंग्लाइमस एज वेल एज कोंडाइल, ठीक है। अब देखिए इच मैंडिबल इज मूव्ड बाय अ पावरफुल अबडक्टर और एज वेल एज द अडक्टर मसल्स, ओके, अबडक्टर एंड अडक्टर जो मसल्स होगी उनके द्वारा जो है ये मैंडिबल्स क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे माउथ पार्ट्स के अंदर, ठीक है। There are two types of teeth. अब देखिए very much important जो mandibles होंगे highly जो होगा, देखिए यहाँ पे important structure इनका और grinding action ये करते हैं, इसलिए यहाँ पे इनके पास teeth पाए जाते हैं। The first teeth is the distal teeth and the second teeth is the proximal teeth. So distal teeth are sharply pointed and are called as the incisor. Incisor और cutting teeth, ये काटने का कार्य ये करते हैं भोजन को, इसलिए इनको cutting teeth बोला जाता है। एंड प्रोक्सिमल टीथ जो होगा आर कॉल्ड एज अ मोलर, मोलर और ग्राइंडिंग टीथ, ये चबाने का काम करते हैं, ग्राइंड करने का काम करते हैं। सो द कटिंग एंड ग्राइंडिंग एक्शन इज डन बाय द मैंडिबल, काटने और चबाने का कार्य मैंडिबल के द्वारा किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये रहेगा। दे वर्क फॉर द कटिंग, टीरिंग, काटना, ठीक है, चबाना, मेस्टिकेशन, उसको ग्राइंड करना, इनका काम ये करते हैं मेनली। एंड टीथ ऑफ द इंसेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए मैक्सिली, मैक्सिली दे आर द पेयर्ड स्ट्रक्चर एंड कॉल्ड एज द सेकेंडरी जा, सो ये जो होंगे सेकेंडरी जा होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और एक्सेसरी जा मीन्स ये जो होंगे सहायक जबड़े होंगे इंसेक्ट के, द प्राइमरी और ट्रू जा इज द मैंडिबल एंड सेकेंडरी एंड एक्सेसरी जा इज द मैक्सिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो मैंडिबल होगा वो मुख्य होगा और उसके बाद जो मैक्सिली होगी वो सेकेंडरी जा इनके अंदर होगी। एट प्रोक्सिमल एड एंड द फर्स्ट स्क्लेराइट जो होगा देखिए कार्डो होगा, कार्डो जॉइंस द मैक्सिला टू हेड, ओके, ये देखिए पार्ट्स हो गए मैक्सिली के, यहाँ पे पार्ट्स हैं, वेरी मच इंपॉर्टेंट है। और देखिए इन ARS 2021 ओके मेंस एग्जाम दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड द पार्ट्स ऑफ द मैक्सिली, पार्ट्स ऑफ द मैक्सिली जो है लिखने के लिए आया था ARS 2021 के अंदर, तो कौन कौन से पार्ट हम लिख सकते हैं इस टाइप से, देखिए यहाँ पे कार्डो आप लिख सकते हैं, स्ट्राइप आप लिख सकते हैं, मैक्सिलरी पेल्प, पेल्पीफर आप लिख सकते हैं, ठीक है, गेलिया आ जाएगा, लेसिनिया, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं एग्जाम में, आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो कार्डो होगा ये एक इसका पार्ट होगा, एज वेल एज द सेकेंड स्क्लेराइट जो होगी उसको हम स्ट्राइप्स बोलेंगे, विच आर्टिकुलेटेड विद द कार्डो, एंड स्ट्राइप्स कैरीज अ लेटरल स्क्लेराइट दैट इज नोन एज द पेल्पी फर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेल्पी फर ये आपको याद रखना है, ठीक है, पेल्पी फर ये है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, विच बियर्स अ फाइव सेगमेंटेड एंटीनी लाइक मैक्सिलरी पेल्प, ये भी इनके पास प्रेजेंट होता है, वेरी मच ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा आपके लिए। ऑन द डिस्टल एंड ऑफ द स्ट्राइप देर आर टू लोब्स, टू लोब्स, द फर्स्ट लोब इज द आउटर लोब, वेरी मच इंपॉर्टेंट, आउटर लोब इज नोन एज गेलिया एज वेल एज द इनर लोब इज नोन एज द लेसिनिया, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटर लोब, इनर लोब, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दिस इज द मैक्सिली, सेकेंड जा इनको बोलेंगे, और एक्सेसरी जा जो ये रहेगा इंसेक्ट की बॉडी का, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट यहां पे देखिए मैक्सिला जो है गेलिया एंड लेसिनिया हेल्प इन होल्डिंग द फूड मटेरियल, ये क्या करेगा, जो फूड पार्टिकल्स उसको होल्ड करने का काम ये करते हैं अलोंग विथ द मैंडिबल, मैंडिबल के साथ साथ मैक्सिली डायरेक्ट द फूड इनटू द माउथ, ओके, मैक्सिली डायरेक्ट द फूड इनटू द माउथ, ये क्या करेगी, ये जो है फूड पार्टिकल्स को लाके जो है होल्ड करने का कार्य करेगा, मैंडिबल उसके ऊपर एक्शन करेगा और ये फूड को जो है अंदर जो है लेने का कार्य करते हैं। दे होल्ड द फूड इन प्लेस व्हेन द मैंडिबल्स आर इन एक्शन, ओके, जब खाएंगे तब ये होल्ड करके रखेंगे। दे एक्ट एज ऑक्सिलरी जा, ओके, एक्सिलरी और एक्सेसरी, ओके, एक्सेसरी जा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेकेंडरी जाए होंगे। एंड असिस्ट इन मेस्टिकेशन ऑफ द फूड, इवन द मेन फंक्शन ऑफ द मैंडिबल इज मेस्टिकेशन, कटिंग एंड ग्राइंडिंग, बट इवन द मैक्सिली आल्सो हेल्प इन दैट प्रोसेस इन मेस्टिकेशन, तो इसलिए इसको हम एक्सेसरी जा बोलेंगे यहाँ पे, और ऑक्सिलरी जा बोलेंगे जो कि हेल्प करती है मैंडिबल का, ठीक है। मैक्सिलरी पेल्प पोजेस ऑल्फैक्ट्री एंड गस्टेटरी सेंस, वेरी मच मच इंपॉर्टेंट, मैक्सिलरी पेल्प इज
possess the olfactory and gustatory sense receptor and function as a sensory organ. Okay, they recognize the food. Identification of food is the made by this structure. देखिए इनके अंदर जो है olfactory, olfact का मतलब होता है smell को ये क्या करते हैं detect करते हैं. Okay, chemical और gustatory means sense of touch. Okay, तो ये देखिए इसको detect करते हैं. बहुत important है smell as well as the touch. ये contact से related होगा ये. और ये जो क्या करेंगे food particles को पहचानने का कार्य करते हैं. व्हाट फूड इंसेक्ट हैज टू फीड, तो ये यहां पे पहचानने का कार्य कौन करेगा, मैक्सिलरी पेल्प. वेरी मच इंपॉर्टेंट सेंसरी इन फंक्शन. सेंस ऑर्गन कनेक्टेड विद द परसेप्शन ऑफ, देखिए यहां पे टच हो जाएगा, स्मेल एंड टेस्ट आर अबंडेंटली फाउंड इन द पेल्प. पेल्पी मीन्स मैक्सिलरी पेल्पी. ठीक है, मैक्सिलरी पेल्पी के पास ये स्ट्रक्चर होंगे. तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये पॉइंट्स और ये जो होगा इनका फंक्शन होगा ये आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट पार्ट इज द लेबियम एंड लेबियम इज नोन एज द लोअर लिप. ओके, लेबियम इज नोन एज द लोअर लिप. इट इज नोन एज द लोअर लिप एंड इट इज कॉल्ड एज द सेकेंड मैक्सिला. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. इट इज कॉल्ड एज द सेकेंड मैक्सिला. ठीक है, सेकेंड मैक्सिला क्या है, तो सेकेंड मैक्सिला इज नोन एज द लेबियम. इट इज अ कंपोजिट स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू प्राइमेटिव सेगमेंटेड अपेंडेजेस होगा. देखिए ये जो है इंपॉर्टेंट है, कंपोजिट स्ट्रक्चर होगा जो कि सेगमेंटेड अपेंडेजेस से मिलकर बना होगा. इट बाउंड विद द माउथ कैविटी फ्रॉम बिलो और बिहाइंड. माउथ कैविटी के नीचे या बिहाइंड यानी पीछे ये रहेगा. ठीक है, इट फॉर्म द बेस ऑफ द प्री ओरल कैविटी. ये जो बेस बनाएगा प्री ओरल कैविटी का. अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस इट कंस्टिट्यूट द थ्री मीडियन स्क्लेराइट्स. द फर्स्ट वन इज द सबमेंटम लार्ज बेसल स्क्लेराइट्स. सेकेंड वन इज द मेंटम मिडिल स्क्लेराइट्स एंड थर्ड वन इज द प्री मेंटम एपिकल स्क्लेराइट. सो दिस इज द पार्ट्स ऑफ द लेबियम. ये भी आपसे पूछ सकते हैं इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन. ठीक है, सबमेंटम, मेंटम एंड प्री मेंटम, ये इसकी तीन स्टेप्स स्क्लेराइट्स होती हैं. अब देखिए लेबियम जो होगा लेटरल साइड ऑन द प्री मेंटम. देर आर टू स्मॉलर लेटरल स्क्लेराइट्स होगी जिसको बोलेंगे कॉल्ड एज द पेल पीजर. वेरी मच मच इंपॉर्टेंट. देयर इन मैक्सिली पेल पी फर था, यहाँ पे पेल पी जर है. सो यू हैव टू रिमेम्बर एल जी जो होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एल जी मीन्स लेबियम. लेबियम के पास क्या होगा, पेल पी जर होगा. बिकॉज इन एग्जाम यू विल कन्फ्यूज. सो वाट इज द पेल पी फर एंड वाट इज पेल पी जर. सो पेल पी जर जो होगा पार्ट किसका होगा, लेबियम का होगा. एल जी, दिस इज द ट्रिक, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको याद यहाँ पे रखना है. ठीक है, डिस्टली प्री मेंटम बियर्स टू पेयर ऑफ द लोब्स इसके पास प्रेजेंट होंगे. द फर्स्ट पेयर ऑफ द लोब, ओके, इट इज नोन एज द पेराग्लोसी एंड दिस इज द आउटर लोब. पेराग्लोसी इज द आउटर, ओके, आउटर लोब. एंड द इनर पेयर ऑफ द लोब इज नोन एज द ग्लोसी. ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. आउटर पेयर ऑफ द लोब इज नोन एज द पेराग्लोसा एंड इनर पेयर ऑफ द लोब इज नोन एज द ग्लोसा. बोथ द पेयर्स व्हेन फ्यूज्ड टुगेदर, जब ये आपस में जुड़ जाएंगे दैट इज कॉल्ड एज द लिग्यूला. वेरी मच इंपॉर्टेंट, लिग्यूला, ओके, दैट फंक्शन मेनली एज अ गस्टेटरी सेंस ऑर्गन. सो गस्टेटरी सेंस ऑर्गन मीन्स हियर इन लेबियम ऑल्सो सेंसरी फंक्शन जो होगा परफॉर्म होगा, सेंसरी एक्शन यहाँ पे होगा. बिकॉज यहाँ पे गस्टेटरी जो सेंस यहाँ पे होगा दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज द सेकेंड मैक्सिली. ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है. और जब ग्लोसा, ओके, ग्लोसी प्लस पेराग्लोसी जब ये मिल जाएगा, ओके, फ्यूज टुगेदर दैट इज कॉल्ड एज द लिग्यूला. यहाँ पे भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको देखना है लिग्यूला. दिस स्ट्रक्चर इज लिग्यूला. वन मोर द टर्मिनोलॉजी लिग्यूला विल कम दैट इज इन वाइट फ्लाई दैट वी विल डिस्कस. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है लिग्यूला, बिल्कुल स्पेलिंग एज वेल एज द यहाँ पे जो भी पॉइंट्स यहाँ मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट आपके हैं इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. ठीक है, वेरी मच इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे. यहाँ पे हाइपोफेरिंग्स, द लास्ट पार्ट ऑफ द बाइटिंग एंड चेविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट इज द हाइपोफेरिंग्स. सो इट इज लोकेटेड सेंट्रली इन द प्री ओरल कैविटी के पास में ही होगा. इट इज अ टंग लाइक स्ट्रक्चर होगा, सिचुएटेड बिटवीन द लेब्रम एंड लेबियम. एंड डक्ट ऑफ सेलाइवरी ग्लैंड्स ओपन ऑन
नियर द इट्स बेस, मतलब यहाँ पे सेलाइवरी ग्लैंड ओपन होगा और सेलाइवरी जो होगा सेलाइवा का सिक्रेशन यहाँ पे होगा जो कि फूड पार्टिकल्स को मिक्स करने का कार्य करेगा। एंड हाइपोफेरिंग्स जो होगा यहाँ पे टंग लाइक स्ट्रक्चर जो होगा इंसेक्ट के बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के माउथ पार्ट्स में प्रेजेंट होगा। देखिए टू मोर टर्मिनोलॉजीज देयर, साइबेरियम, साइबेरियम इज द प्री ओरल केविटी बिटवीन द एपिफेरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स, ओके। एंड द सेकेंड इज टर्मिनोलॉजी सेलाइवेरियम, सो सेलाइवेरियम इज द प्री ओरल केविटी बिटवीन हाइपोफेरिंग्स एंड सेलाइवरी डक्ट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे वहाँ पे भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए जो हमने अभी पढ़ा है बाइटिंग एंड चेविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स के पार्ट, जो डिफरेंट जो है पार्ट्स लाइक मैंडिबल, मैक्सिली, लेब्रम, लेबियम एज वेल एज हाइपोफेरिंग, सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऑल द फंक्शन और जितने भी पार्ट्स है वो आपको याद रखना है। अब देखिए इनका मैं बेटर एक्सप्लेनेशन करता हूँ बाय यूजिंग सम ऑफ द फिगर्स, सो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप जब देखेंगे इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, दिस इज द लेब्रम, लेब्रम इज नोन एज द अपर लिप, ओके, अपर लिप ये कहलाएगा, ठीक है, वेरी मच इंपॉर्टेंट, लाइक दैट स्ट्रक्चर विल गेट। और यहाँ पे देखिए क्लाइपस होगा, क्लाइपियस ये जुड़ा होगा, ठीक है, क्लाइपियस होगा इसके ऊपर ये जुड़ा होगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट होगा। देखिए यहाँ पे मैंडिबल जो होंगे वन पेयर होंगे, ये यहाँ पे लेफ्ट मैंडिबल और यहाँ पे राइट मैंडिबल, एंड ग्राइंडिंग रीजन एज वेल एज द इनसाइजिंग रीजन। ग्राइंडिंग मतलब क्या करेगा, ग्राइंड करने का कार्य करेगा और इनसाइजिंग मतलब कटिंग करने का कार्य करेगा। और इस टाइप से मैंडिबल के पास में देखिए इस टाइप से जो है इस टाइप से टीथ होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राइंडिंग रीजन और कटिंग रीजन ये होता है, बहुत ज्यादा यहां पे इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पे हाइपोफेरिंग्स होगा, हाइपोफेरिंग्स जो देखिए टंग लाइक स्ट्रक्चर होगा, सेलाइवरी डक्ट जो होगा यहां पे ओपन होगा। देखिए यहां मैक्सिला है, वन पेयर मैक्सिला होगा आप देखिए, ओके, एंड यहां जो है कार्ड हो जाएगा, स्ट्राइप हो जाएगा, यहां पे पेल पी फर यहाँ पे प्रेजेंट होगा और इस टाइप से मैक्सिलर पेल पी ये यहाँ पे कहलाएगा। और लास्ट वन जो है लेबियम, लेबियम इज नोन एज द लोअर लिप, ओके, लोअर लिप ये होगा, ओके। तो इस टाइप से ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको अच्छे से इन जो सारे फिगर्स हैं इनको याद रखना है और ये सारे जो माउथ पार्ट्स हैं इनको याद रखना एज वेल एज देयर फंक्शन आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अनदर यहाँ पे हम देख लेते हैं लेब्रम, इस टाइप से देखिए क्लाइपेस जुड़ा रहेगा, मैंडिबल जो होगा ग्राइंडिंग रीजन, ओके, इस टाइप से टीथ होंगे यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे जो मैक्सिली है वो मैक्सिली और लेबियम ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दिस वन इज द कार्डो, ये वाला जो पार्ट है कार्डो होगा, दिस वन पार्ट इज द स्ट्राइप्स होगा, पेल पी फर, ओके, ये क्या है, पेल पी फर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट इज द हियर, दिस रीजन इज द मैक्सिलरी पेल्प, मैक्सिलरी पेल्प ये भी यहाँ पे आपको देखना है, ये वाला जो पार्ट होगा मैक्सिलरी पेल्प, ओके, फाइव सेगमेंट होंगे इसके, 1, 2, 3, 4 और इस टाइप से फाइव सेगमेंट में डिवाइड होगा, एज वेल एज द गैलिया जो है यहाँ पे इनर लेब और आउटर लोब होगा, ये जो गैलिया होगा और लेसिनिया जो होगा इनर लोब यहाँ पे ये रहेगा इस टाइप से। तो ये जो है किसके पार्ट से, मैक्सिली के पार्ट से, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, ठीक है, मैक्सिली जो वन पेयर इधर रहेगा। अब देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेबियम वाला जो होगा ये भी इंपॉर्टेंट है, सब मेंटम, देखिए ये जो है सब मेंटम वाला पार्ट होगा, ठीक है, मेंटम जो होगा इसके बीच मिड वाला पार्ट होगा, एज वेल एज द यहाँ पे प्री मेंटम जो होगा ये वाला पार्ट होगा प्री मेंटम। अब देखिए पेल पी जर ये वाला पार्ट होगा यहाँ पे, पेल पी जर, ठीक है, एल जी मतलब लेबियम के पास में क्या होगा, पेल्पीजर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखने के लिए। अब देखिए ग्लोसा जो होगा इनर लोब, ये क्या है, इनर लोब यहाँ पे रहेगा, पेरा ग्लोसा जो रहेगा आउटर लोब ये रहेगा, और जब दोनों मिल जाएंगे देखिए इस टाइप से जब फ्यूज हो जाएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, लिग्यूला, ओके, लिग्यूला जहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गस्टेटरी रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, सो वेरी मच इंपॉर्टेंट है ये फोटोग्राफ्स आपके लिए, अच्छे से इसको पढ़िए पूरा समझ के और बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए इस टाइप से दिस इज द वन पिक्टोरियल पिक्चर ऑफ द कॉकरोच माउथ पार्ट्स, कॉकरोच के माउथ पार्ट्स के पास आप जब जाएंगे तो इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। देखिए यहाँ पे
डिफरेंट टाइप ऑफ इसके पार्ट्स हैं, लाइक फर्स्ट पे होगा आई होगा, सेकंड एंटीना हो जाएगा, थर्ड जो है देखिए ये वाला रीजन, दिस इज द क्लाइपियस रीजन, एंड द फोर्थ वन इज द लेबियम, ये लेबियम लेब्रम, सॉरी दिस इज द लेब्रम रीजन, एंड द फिफ्थ वन होगा यहाँ पे देखिए मैंडिबल्स होंगे, एंड सिक्स जो होगा यहाँ पे देखिए लेबियल पेल्प आएगा, ठीक है लेबियल पेल्प हम इसको बोलेंगे, सेवन जो होगा दिस द मैक्सिलरी पेल्प रहेगा यहाँ पे, और जो एट्थ वाला जो यहाँ पे है देखिए इसको लेब्रम को डिसेक्ट किया गया है, एज वेल एज द नाइन्थ है मैंडिबल सेगमेंट, मैंडिबल वन पेयर ऑफ द मैंडिबल, इलेवन जो टेंथ जो होगा यहाँ पे देखिए मैक्सिली, दिस इज द मैक्सिली लेबी एज वेल एज द इलेवन एंड ट्वेल्थ जो होगा यहाँ पे लेबियम एंड लेबियल पेल्प्स यहाँ पे होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ओके नेक्स्ट, दिस इज द माउथ पार्ट्स ऑफ द लार्वा, ठीक है लार्वा की ये माउथ पार्ट से इस टाइप से आपको नजर आएगा, देखिए यहाँ पे देखिए इस टाइप से ये क्लाइपियस वाला यहाँ पे रीजन रहेगा, ठीक है यहाँ पे देखिए लेब्रम मैंडिबल मैंडिबल होंगे इस टाइप से ये ग्राइंडिंग रीजन, ठीक है लेबियल पेल्प यहाँ पे रहेगा, मैक्सिलरी पेल्प होगा, तो इस टाइप से वेरी मच इंपॉर्टेंट होगा ये माउथ पार्ट्स आपके लिए, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइमेटिव टाइप ऑफ माउथ पार्ट से बेसिक है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं अदर काइंड ऑफ माउथ पार्ट्स, सो अदर काइंड ऑफ माउथ पार्ट इज चेविंग एंड लेपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, चेविंग एंड लेपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट दैट इज प्रेजेंट इन हनी बी, ओके हनी बी और इन हाइमनोप्टेरा, ठीक है हाइमनोप्टेरा की जो वेस्प और जो एंट्स वेस्प और बीस जो होगी उसके अंदर ये प्रेजेंट होगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हियर द लेब्रम एंड द मैंडिबल्स आर द चेविंग टाइप, वेरी मच इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेब्रम एज वेल एज द मैंडिबल इज द एक्ट एज अ चेविंग चेविंग एक्शन, ओके चेविंग एक्शन, एंड फॉर लेपिंग एक्शन हियर द अदर काइंड द मैक्सिली एज वेल एज द लेबियम इज फॉर्म एज अ मैक्सिलो लेबियल स्ट्रक्चर, ओके एंड इट इज नोन एज द लेपिंग टंग, ओके सो मैक्सिली एंड लेबियम इज फॉर लेपिंग एक्शन एंड मैंडिबल एंड लेब्रम इज फॉर चेविंग एक्शन, सो द माउथ पार्ट इज नोन एज चेविंग एंड टाइप लेपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेब्रम और जो मैंडिबल होगा चबाने का कार्य यहाँ पे करेगा, लेपिंग मतलब जो क्या होगा ये क्या करते हैं नेक्टर को फीड करते हैं ये वाले इंसेक्ट, ठीक है हनी भी, तो यहाँ पे ये नेक्टर को फीड करेंगे तो लीक करेंगे नेक्टर को अपनी बॉडी के अंदर, तो उसको लेप बोलना होता है, चाटना उसको बोलता है, यानी चबाने और चाटने वाले मुखांग इसके अंदर पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दे आर यूजफुल टू क्रश, देखिए लेब्रम और जो मैंडिबल होगा दे आर यूजफुल टू क्रश शेप द वैक्स फॉर कॉम्ब बिल्डिंग, ओके इंजेस्ट द पोलन ग्रेन्स एंड मोल्डिंग ऑफ द वैक्स इनटू द सेल एंड अदर मैनिपुलेटिव फंक्शन, जो क्या करेंगे परफॉर्म करेंगे मैंडिबल एज वेल एज द लेब्रम, एंड हियर मैंडिबल आर नॉट इन्वॉल्व इन द फीडिंग प्रोसेस, ये फीडिंग प्रोसेस मतलब में इन्वॉल्व नहीं होंगे, नेक्टर को फीड नहीं करेंगे, हियर See, the maxillary and labium are the united and elongated to form the lapping tongue. इस टाइप से इसके अंदर lapping tongue बनेगी जिसका कि हम आगे फोटो देखेंगे. That can be protected and retracted to reach by which the collect नेक्टर कैन बी फीड, ठीक है तो कलेक्टेड जो नेक्टर होंगे उस नेक्टर को ये क्या करेंगे फीड करेंगे, ये लेप करने का कार्य करेंगे, नेक्टर को ये चाटने का कार्य करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे आपके लिए रहेगा, ठीक है नेक्स्ट इज द लेपिंग एंड चेविंग टाइप के जो माउथ पार्ट्स होंगे हाउ इट्स फंक्शन, कैसे ये फंक्शन करेंगे, तो देखिए लेब्रम एंड मैंडिबल इट्स देयर फॉर चेविंग एक्शन, चबाने का कार्य करेंगे, वेर एज मैक्सिली एंड लेबियम एज वेल एज इवन हाइपोफेरिंग्स इन्वॉल्व फॉर द सकिंग प्रोबोसिस, किंग प्रोबोसिस मतलब लेपिंग जो इनकी एक्शन होगी लेपिंग एक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट यहां पे होगा, द टंग दैट इज लेपिंग टंग इन यूनाइटेड टू कंसिस्ट द टू गैलिया ऑफ मैक्सिली एंड टू लेबियल पेल्प इलोंगेटेड फ्लेक्सिबल हेरी ग्लोसा दैट ऑफ लेबियम, तो यहाँ पे देखिए जो लेपिंग टंग बनाएगा वो कौन उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होगा, सो द टू गैलिया ऑफ द मैक्सिली लेबियल पेल्प एंड ग्लोसा ऑफ लेबियम, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ग्लोसा ऑफ लेबियम यहाँ पे ये इन्वॉल्व होंगे, इलोंगेटेड सेंट्रल ऑर्गन जो होगा ऑफ द प्रोबोसिस इज नोन एज द ग्लोसा, ओके सो ग्लोसा इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉडिफाइड फॉर द लेपिंग टंग एंड द बेस ऑफ द ग्लोसा आर टू स्मॉल लोब्स होंगे जिसको हम पेरा ग्लोसा बोलेंगे, हियर द ग्लोसा जो होगा यहाँ पे देखिए वेरी मच इंपॉर्टेंट है इज प्रोवाइडेड विद द लॉन्ग हेयर्स एंड स्मॉल स्पून शेप्ड लोब दैट इज नोन एज द फ्लेबेलम
फ्लेबेलम और बटन. फ्लेबेलम और बुटोन लाइक स्ट्रक्चर इट इज अपेक्स विच इज यूजफुल टू लीक द नेक्टर. तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेन जो एक्शन होगा लीकिंग ऑफ द नेक्टर कौन करेगा. सो दैट इज ग्लोसा. ओके, जो ग्लोसा वाला स्ट्रक्चर होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा. दैट इज ओनली फॉर्म इन टू द फ्लेबेलम एंड बुटोन लाइक स्ट्रक्चर. वेरी मच इंपॉर्टेंट हियर. सी ग्लोसा इज वेरी एक्टिव वाइल फूड इज बींग इम्बाइडेड रिट्रेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द मेंटम. ठीक है, देखिए ग्लोसा जो होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. ये लेबियम का पार्ट होगा ये. ठीक है, लेबियम का पार्ट होगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा. और जब भोजन को ये खाएंगे तब, ठीक है, द लिक्विड फूड, लिक्विड व्हाट इज द लिक्विड फूड ऑफ हनी बी, दैट इज नेक्टर. असेंड बाय मीन्स ऑफ कैपिलरी एक्शन. कैपिलरी एक्शन के द्वारा ये आता है अंदर इन टू द सेंट्रल चैनल ऑफ द ग्लोसा एंड इंटर इन टू द स्पेस बिटवीन द पैराग्लोसा एंड माउथ कैविटी. ओके, वेरी मच इंपॉर्टेंट है. और देखिए फूड केनाल, फूड केनाल और फूड चैनल इज फॉर्म बाय गैलिया ग्लोसी एज वेल एज द लेबियल पेल्प्स के द्वारा जो इसके अंदर फूड केनाल बनती है. एंड मेनली द ऑर्गन ऑफ द लिकिंग ऑफ द नेक्टर जो होगा कौन होगा, ग्लोसी ऑफ लेबियम. ये इंपॉर्टेंट होगा, जिसको हम बोलते हैं फ्लेबेलम और बटन इसको हम बोलेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट ये जो माउथ पार्ट्स रहेंगे हनी बीज के अंदर, और ये आपको ध्यान रखना है. देखिए इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ. इस टाइप से देखिए इनके जो मैंडिबल्स होंगे, इस टाइप से मैंडिबल, मैक्सिलरी पेयर पर मैक्सिला, लेबियल पेल्स एज वेल एज द ग्लोसा. ओके, ग्लोसा फॉर्म इन टू द लास्ट स्ट्रक्चर एंड इट इज नोन एज द फ्लेबेलम और बटन लाइक स्ट्रक्चर. एंड दिस बटन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो क्या होगा, जो नेक्टर जो होंगे वो अंदर आएंगे हनीबी के अंदर. ठीक है, तो वेरी मच इंपॉर्टेंट रहेगा. देखिए यहाँ पे इस टाइप से तो आपसे पूछा जाता है कि चेविंग एंड लेपिंग टाइप माउथ पार्ट्स के अंदर जो होगा मॉडिफाइड किसका पार्ट है वो, तो ग्लोसा का पार्ट है. ठीक है, ग्लोसा ऑफ लेबियम वेरी मच इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा. इस टाइप से देखिए जब आप हनीबी का यहाँ पे देखेंगे माउथ पार्ट, इस टाइप से दिस इज द हनीबी. ओके, और यहाँ पे देखिए मैंडिबल होगा, ये मैंडिबल इसको हम बोलेंगे. ठीक है, मैक्सिली, ये मैक्सिली होगा. एंड जो होगा लेबियम, लेबियम. ओके, इस टाइप से लेबियम वाला स्ट्रक्चर होगा. और यहाँ पे लेबियल पेल्प्स. और ये जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर होगा, देखिए लास्ट स्ट्रक्चर जो होगा यहाँ पे ये कहलाएगा फ्लेबेलम. फ्लेबेलम और बुटोन लाइक स्ट्रक्चर. ओके, फॉर लिकिंग द नेक्टर. और ये जो होगा किससे बना होगा, तो ये होगा ग्लोसा. मेनली जो ग्लोसी होगा यहाँ पे वो यहाँ पे मॉडिफाइड होगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये रहेगा. एंड दिस फॉर्म इज द लेपिंग टंग. क्या बनाएगा ये, लेपिंग टंग बनाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो नेक्टर को ये क्या करेंगे, चाटने का कार्य यहाँ पे इस टाइप के मुखांग करते हैं. तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा. ओके, तो ये आपको याद करना है अच्छे से. दिस इज द सेकेंड काइंड ऑफ माउथ पार्ट, चेविंग एंड लेपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट. देखिए इन जनरली इन प्रैक्टिकल इफ यू विल सी दिस माउथ पार्ट, तो इस टाइप से देखिए हनी बी के अंदर ये होते हैं. हनी बी जो होगा इस टाइप से नेक्टर जब फीड करती हैं, तो हाउ दे फीड द नेक्टर. तो देखिए यहाँ पे ये जो नेक्टर हैं, इट इज द नेक्टर एंड हाउ इट विल गो इनसाइड द माउथ पार्ट्स. तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा, देखिए ग्लोसा बनाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लेबेलम. फ्लेबेलम बोलेंगे. और इवन बुटोन लाइक स्ट्रक्चर ये यहाँ पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, और ये जो नेक्टर्स होंगे, देखिए ये नेक्टर जिसके अंदर इस टाइप से क्या करेंगे, लीक करेंगे बाय कैपिलरी एक्शन. कैपिलरी एक्शन यहाँ पे होगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो ये जो ग्लोसा है ये यहाँ पे मॉडिफाइड होता है मेनली फॉर द लेपिंग टंग. तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो है आपके लिए होने वाला है. इस टाइप से देखिए अगर आप इसकी एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर आप देखेंगे, तो आपको ग्लोसा जो है इस टाइप से दिखेगा. दैट इज नोन एज द टोंग, इसको हम बोलेंगे टंग बोलेंगे, लेपिंग टंग बोलेंगे इसको. इस टाइप से हेयरी स्ट्रक्चर रहेगा. और यहाँ पे देखिए टंग की टिप जो रहेगी उसी को हम बोलेंगे यहाँ पे बटन बोलेंगे. और यहीं से जो नेक्टर वगैरह इनके अंदर इस टाइप से जाएंगे. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये माउथ पार्ट्स आपके लिए. एंड दैट इज फाउंड इन द हाइमनोप्टेरा ऑर्डर हनी बी वेस्ट एज वेल एज एंट्स. तो ये जो होगा देखिए, दिस इज द ऑल अबाउट द माउथ पार्ट्स ऑफ बाइटिंग एंड चेविंग टाइप माउथ पार्ट्स एज वेल एज चेविंग एंड लेपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स. अदर माउथ पार्ट्स वी विल डिस्कस इन अवर फर्दर लेक्चर्स. तो देखिए यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझना है, और हमने प्रीवियस जो लेक्चर हैं वो भी आपको अच्छे से पढ़ते चलना है, रिविजन करते चलना है, और इस टाइप से आपकी अच्छे से तैयारी होती चलेगी. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.